नमस्कार दोस्तों, 777 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कवर करेंगे कि अपने वेबसाइट पर अगर हमें कोई नया मेनू ऐड करना है और उसकी लिस्टिंग मेनू में जो लिस्टिंग हमें दिखानी है वो ऐड करनी है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर में जाएंगे, मेनू में जाएंगे, और अगर ये देखिए यहाँ पर ऐड मेनू की जो बटन है यहाँ पर, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नया मेनू ऐड करने के का पेज खुल जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में मेनू के बारे में बात की थी, तो ये ड्रूपल 4 टाइप की मेनू प्रोवाइड कराता है, तो हमें इस वीडियो में नया मेनू ऐड करेंगे। जो आपको मेनू का जो टाइटल देना है अब वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, और जो आपको डिस्क्रिप्शन मेनू का देना है ये हेल्पफुल रहेगा कि आपने अपना कोई कस्टम मेनू क्रिएट किया है और उसको आप डिस्क्रिप्शन मतलब ये कहाँ आपको किस पर्पस से आपको ये मेनू यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे ये टेस्ट मेनू फूटर में यूज़ करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हेल्पफुल रहता है कि आपको समझ में आ जाए कि ये मेनू कहाँ यूज़ हो रहा है। सेव कीजिए दोस्तों। अब ये मेनू क्रिएट हो गया। अब उसकी लिस्टिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब मेनू की जो लिंक आपको प्रोवाइड करानी है वो उसका टाइटल दीजिए। दोस्तों, पाथ में आपको मेनू में जो पाथ सेट करना है वो आपको देना पड़ेगा। हम एक पाथ फाइंड करते हैं सिस्टम में। हमारे पास ये ब्लॉग है, हम इसको उसका पाथ कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे। पाथ में दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कोई खुद का अपना कस्टम पाथ दे दूँ जो कि अभी आपके सिस्टम में नहीं क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर एरर आएगी इनवैलिड पाथ की। तो आपको यहाँ पर वही पाथ पेस्ट करना है जो कि आपके सिस्टम में वो नोड क्रिएट हो चुका हो। अगर आप कोई दूसरा देते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ और इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए ये इनवैलिड बता रहा है क्योंकि इसको ये पाथ मिला नहीं है अपने सिस्टम में। ये उसके लिए था, हम इतना ही रखते हैं, सेव कर देते हैं। एक और मेनू ऐड करके देख लेते हैं। एक और कंटेंट का हम उसमें पाथ दे देंगे जो हमें पाथ सेट करना है वहाँ पर। इनेबल रहेगा, सेव कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेनू ऐड हो गए हमारे और दो हमने लिस्टिंग उसमें ऐड कर दी इस मेनू में। दोस्तों, अब अगर आपने मेनू कोई ऐड किया है स्ट्रक्चर में जाके, मेनू में जाके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ड्रूपल आपने जो मेनू क्रिएट किया उसका एक ब्लॉक बना देगा। तो अब उसके लिए आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा और आपके नीचे जो डिसेबल्स ब्लॉक पड़े हैं डिसेबल, उसमें आपका वो मेनू जो आपने बनाया था, ये देखिए टेस्ट मेनू, ये आपको यहाँ दिख गया। अब इसको आपको यहाँ ब्लॉक को आपको जहाँ इसको को सेट करना है, किस रीज़न में सेट करना है कर सकते हैं, करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं। अगर आपको उस ब्लॉक का कोई टाइटल देना है तो यहाँ पर वो टाइटल दे दीजिए, हम टाइटल नहीं देंगे, पेस्ट करते हैं। और जैसा कि हमने फूटर के लिए बनाया था तो हम उसे फूटर वाले रीज़न में सेट कर देंगे और हमें सभी पेजेस पे दिखाने हैं तो सेव कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया जो हमने मेनू ऐड किया था। अगर आप इसका कोई टाइटल देंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा। क्विक लिंक दे देते हैं, सेव कर देते हैं। ये देखिए क्विक लिंक आ गया और उसके ये सब मेनू आ गए। दोस्तों, ये यहाँ से आप इस आइकन का यूज़ करके, सेटिंग का आइकन का यूज़ करके आप यहाँ पर डायरेक्टली इस लिंक्स पे जा सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा
जैसे आपको मेनू की लिस्ट में जाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए एडिट। अगर आपको मेनू का नेम चेंज करना है इस पे, अगर ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप थर्ड वन क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे मेनू ऐड करें और उसमें उस मेनू में कैसे लिस्टिंग ऐड करें, और उस जब हम कुछ मेनू नया ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक ड्रूपल 7 उसका ब्लॉग बना देता है, और उसको आप उस ब्लॉग को आप अपनी वेबसाइट में जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।